उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा कुमर्दा। देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होना है। राजनंदगांव लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सागर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में जनता को संबोधित किया। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने धर्मनगरी में विराजित मां बम्लेश्वरी को प्रणाम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल एवं उनकी सरकार को आड़े हाथों लेकर भ्रष्टाचार की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते कोयला, गोबर, शराब घोटाला हुआ है। इसके अलावा महादेव ऐप जैसे बड़े सट्टा चलती रहा। ऐसे व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में वोट देना गलत है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में बेहतर कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ जनता को 5 साल तक मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है। 10 करोड़ लोगों को स्वावलंबन करने का कार्य उन्होंने किया है। इसके अलावा 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी उन्होंने दिए हैं। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाई है। 2.5 करोड़ लोगों के घर बिजली पहुंचाई है। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव सहायक की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास बनाने की बात कही है। विष्णु देव साय की सरकार ने महतारियों का वंदन करते हुए उन्हें 1,000 रुपए प्रतिमा दिया है, जो बेहतर कार्य है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एक समस्या है और बीजेपी उसका समाधान। श्री योगी ने आगे कहा कि भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में को भारी मतों से विजयी बनाएं और फिर से मोदी जी की सरकार बनाएं। नागरिक के चेहरे पर चमक हो और नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, बेटी हो या व्यापारी, इन सब को सुरक्षा की पूरी गारंटी हो और कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था का सम्मान भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग फ्री में राशन दे पाते क्या? क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या? क्या कांग्रेस के लोग नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर पाते क्या? क्या कांग्रेस के लोगों के द्वारा बेटी और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस तो समस्या का नाम है, ये समस्या देती है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है और भारतीय जनता पार्टी के इसी समाधान को लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं कि मोदी जी को आपने 2 कार्यकाल दिए हैं, तीसरा कार्यकाल भी सौंपी है। बहनों भाइयों, अभी देश के अंदर चुनाव हुए हैं, 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही लहर है, एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो फिर एक बार मोदी सरकार की जो गूंज है, उस गूंज को छत्तीसगढ़ में भी हमें गुंजायमान करना है। सहमत है? आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि यहां के गरीब किसानों से धान को अतिरिक्त बोनस देकर के खरीदने की परंपरा को डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किया था, उस परंपरा को कांग्रेस सरकार ने बाधित किया। श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको जीवित करके यहाँ के अन्नदाता किसानों को फिर से आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया। 18 लाख गरीबों को मतदान देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहनों भाइयों, मोदी जी ने तो कहा है 80 करोड़ गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, अगले 100 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या?
देखो जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया, सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको बन के ले जाना पड़ा तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया क्योंकि ननिहाल नजदीक था और पहले चित्रकूट आए और फिर दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रथ उस समय की साधना में रथ ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं निश्चरहीन करो वही का संकल्प लेकर